जिला बरनाला के गांव महलकला में प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही सांझी रसोई की हालत गंभीर बनी हुई है। बेआसरा और जरूरतमंद लोगों के लिए 2 साल पहले बरनाला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बरनाला जिलों में कई स्थानों पर सांझी रसोई की स्थापना करवाई थी। इन सभी रसोईयों को चलाने के लिए तहसील स्तर पर प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई थी। इस रसोई में 10 रुपए प्रति थाली भोजन मिलता है। महलकला की इस रसोई की न तो कोई बिल्डिंग है और न ही बैठकर खाना खाने के लिए बेंचों का प्रबंध है। इस रसोई में काम करने वाली औरतों का कहना है कि उनको प्रतिदिन 80 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनको 2 साल से लेकर अब तक कोई भी पैसा बढ़ाकर नहीं दिया गया। उनकी मांग है कि रसोई की बिल्डिंग होनी चाहिए और इसी के साथ उनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस मौके पर रसोई में खाना खाने वाले लोगों ने भी कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को रसोई की बिल्डिंग और बैठकर खाना खाने के लिए बेंचों का प्रबंध करना चाहिए। इससे संबंधित जब महलकला के नायब तहसीलदार के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनको अपने ओहदे का कार्यभार संभालने के बाद ही पता लगा कि रसोई की बिल्डिंग नहीं है और इससे संबंधित डिप्टी कमिश्नर बरनाला को सूचित किया गया है और आने वाले समय में सांझी रसोई की कमियों को जल्द दूर कर दिया जाएगा। बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।